हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम के अंदर किस प्रकार से कार्य करना है। और एक हमारे व्यूअर हैं, उन्हीं का ये सवाल है। अब उनका सवाल क्या है जरा समझिएगा। सवाल ये है कि मेक अ कंपनी जाविद इंटरप्राइजेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2013-14, उसके बाद कुछ इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन है जिनको हम लोग एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये कंपनी कैसे बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, टैली प्राइम को ओपन करना है। ये टैली प्राइम ओपन है, जब ओपन होगी तो यहाँ क्रिएट कंपनी नजर आएगा, तो बिल्कुल यहीं से कंपनी आपकी बन जाएगी। तो क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे जाके एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पर एक नया फॉर्म खुलेगा। जब नया फॉर्म खुलेगा तो इसी को भरना है, यानी कंपनी किस नाम से बनानी है, तो कंपनी बनानी है जाविद इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे लिख दीजिए जाविद इंटरप्राइजेस, जैसे बोला गया है बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जाविद इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये हो गया जाविद इंटरप्राइजेस और अब एंटर करना है, एंटर करना है। ठीक है, एड्रेस कहाँ का है ये इन्होंने नहीं दिया है, इसमें एड्रेस नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस हम अपना ही डाल देते हैं, न्यू कॉलोनी देवरिया, न्यू यहाँ पे कॉलोनी COLONY और यहाँ पे कर देते हैं देवरिया DERIA। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, एंटर करेंगे एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी है, तो यहाँ पर मैं अपना स्टेट डाल लेता हूँ उत्तर प्रदेश। बाकी यहाँ पे पिन कोड वगैरह की डिटेल आती है, ये सब आप जानते हैं, ये सब बहुत जनरल चीजें हैं। तो यहाँ पर एंटर करके आएंगे नीचे, एंटर करते हुए फिर यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2013-14 रखना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2013 फाइनेंशियल ईयर होगा तो 1/4/2013 करना पड़ेगा, यहां पे 2013। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 1/4 यानी 1 अप्रैल 2013। ठीक है, यानी 13। तो ये हमने कर दिया और एंटर कर दिया। और यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो वो जो है 31 मार्च 2014 में होगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये हो गया काम। ठीक है, अब ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सिंपली कंट्रोल ए कर देना, ये हमारी कंपनी बन गई, हमने अभी इसमें कोई GST नहीं चालू किया है। लेकिन ये है कि जो है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन हमें देनी है, तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में इन्होंने कहा है कि एक ग्रुप बनाना है आपको स्टॉक का। हार्डवेयर का एक अलग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग रहेगा और इंटेल का अलग रहेगा। ठीक है, तो ये ग्रुप बनेगा और फिर स्टॉक आइटम बनेंगे। तो हार्डवेयर में कीबोर्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर बनेगा और इंटेल में मदरबोर्ड बनेगा। ठीक है, सबकी यूनिट NOS यानी कि नंबर्स रहेगी। ठीक है, और फिर एक ऑप्शन यहाँ पे CP दिया गया है, तो जो खरीद रेट है और फिर जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, दोनों दी गई है और फिर ओपनिंग स्टॉक दिया गया। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले तो हम जनरल जो स्टॉक है उसको, स्टॉक ग्रुप को बनाएंगे। तो यहां से क्रिएट पे चलेंगे और क्रिएट पे चलने के बाद स्टॉक ग्रुप को बनाने के लिए ग्रुप पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ग्रुप दिया है ना, इस ग्रुप पे नहीं जाना है, स्टॉक ग्रुप पे जाना है। तो यहां से स्टॉक ग्रुप पे जाइए और पहला स्टॉक ग्रुप बना लीजिए। तो पहला स्टॉक ग्रुप जैसा कि इन्होंने दिखाया है हार्डवेयर है, तो हम यहाँ पे हार्डवेयर नाम से एक स्टॉक ग्रुप बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एंटर करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। ठीक है, फिर जो दूसरा स्टॉक ग्रुप है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। एंटर किया और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर तीसरा जो स्टॉक ग्रुप होगा वो होगा इंटेल, INTEL, इंटेल हो गया। एंटर किया और यहां पर एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लिया, यानी तीनों स्टॉक ग्रुप हमने बना लिए। अब इसके अंडर बनेंगे स्टॉक आइटम्स, कैसे बनेंगे, क्या क्या होगा, आइए देखते हैं। यहां से पहले बाहर आते हैं, स्केप बटन प्रेस करके, कैटेगरी बनानी नहीं है, स्टॉक आइटम ही बनाना है और यूनिट भी बनाना है। तो चलिए पहले हम यूनिट बना लेते हैं। तो यूनिट कैसे बनाएंगे, यहां देखिए ये लिखा हुआ है ऊपर सिंपल, ये दिखाई पड़ रहा होगा सिंपल लिखा हुआ, इसके ठीक नीचे ये बॉक्स आ रहा है, तो यहां पूछ रहा है सिंबल, तो सिंबल यहां हम NOS देंगे। NOS का मतलब होता है नंबर्स, और यहां पर हमें नेम देना है, तो यहां पे नंबर्स कर देते हैं, तो ये हो गया नंबर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। और यहां पर UQC कोड आएगा, तो NOS कर देंगे, ये UQC कोड हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद जो बचता है वो है कि आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो यहां पे तो फिलहाल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं दिया गया है, तो यहां 0 ही रखते हैं, एंटर कर देते हैं।
तो ये बन गया हमारा यूनिट। अब यहां से फिर बाहर आते हैं, अब बनाएंगे स्टॉक आइटम। तो ये आए स्टॉक आइटम पर, और स्टॉक आइटम जो हमारा पहला है उसका नाम है कीबोर्ड। तो यहां बनाते हैं के ई वाई बी ओ ए आर डी, ठीक है, कीबोर्ड हो गया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए यहां पर आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स नजर आना शुरू हो गया। तो कीबोर्ड किस ग्रुप में जाएगा, तो कीबोर्ड का जो ग्रुप इन्होंने दिया है वो हार्डवेयर दिया है, तो हम इसे हार्डवेयर के ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। और यहां पे यूनिट भी बनाया था तो एनओएस नजर आ रहा है, तो यहां एनओएस रखेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, जैसे कि मैंने किया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और फिर अब दूसरा है कंप्यूटर, यानी दूसरा स्टॉक आइटम बनेगा कंप्यूटर। तो यहां कंप्यूटर लिख देते हैं और लिख करके एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। और यहां पर देखिए कंप्यूटर का जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, लेकिन यूनिट तो आएगी एनओएस ही। तो यहां से आप नॉट एप्लीकेबल पे अभी हमारा कर्सर है, एनओएस को चूज करके एंटर कर दीजिएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। यहां पर जो है मदरबोर्ड नाम से बनाएंगे, एम ओ टी एच ई आर मदर बी ओ ए आर डी मदरबोर्ड। तो ये जाएगा इंटेल के अंदर। तो देखिए यहां इंटेल का भी एक ग्रुप हमने बनाया है, ये इंटेल में जाएगा, और लेकिन ये तो रहेगा एनओएस ही, और यहां पर एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो इस तरीके से आपका ये स्टॉक आइटम बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन एक और बात है ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी की, तो ये बात तो हमने करी ही नहीं। तो ये भी बहुत आसान है, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी डालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यहां से बाहर आ जाइए और आ जाइए अपने स्टॉक आइटम पर। तो ये यहाँ पे स्टॉक आइटम आपको नजर आएगा, एंटर करिएगा। जब नीचे आइएगा ना, ये देखिए ये यहां पे आए, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। तो नीचे यहां पर आपको दिखेगा क्वांटिटी, देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस, और ये क्वांटिटी जो दिख रहा है, तो अब इन्होंने क्या कहा है कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो उसको देख लेते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि क्वांटिटी जो होगी कंप्यूटर की वो कितनी होगी, 10। ओपनिंग स्टॉक जो है 10 होगा यहां पे, तो यहां पे 10 दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। इसका रेट भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, तो फिलहाल तो रेट यहां पे देखिए ये पर आप जो है क्वांटिटी डाल सकते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड पे आएंगे तो एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके फिर वही कि ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी तक आएंगे। और यहां पर कीबोर्ड कितना है, तो यहां पर कीबोर्ड भी 10 है, तो यहां पे क्वांटिटी में 10 डाल देंगे, यहां पे 10 रखेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। आप चाहे तो रेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट बचता है मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड में कितना है, तो 10 ही है यहां पर भी, तो एंटर एंटर करके आ जाइए नीचे और यहां पर आकर के 10 डाल दीजिए। तो ये 10 हो गया और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। यहां पे रेट भी आप चाहे तो डाल सकते हैं। फिलहाल यहां से अब बाहर आने की बारी है, यानी कि अब प्रेस करना है क्या, एस्केप बटन। एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आइए ना है। तो कैसे बनाएंगे क्रेडिटर पार्टियों का लेजर, वो भी देख लेते हैं। तो क्रिएट पे चलेंगे और पहली जो इनकी क्रेडिटर पार्टी और लेजर पे आएंगे, तो पहली जो क्रेडिटर पार्टी है उसका नाम है आबिद हार्डवेयर, ठीक है। और ये क्रेडिटर पार्टी है, तो यहां पे आबिद हार्डवेयर कर देते हैं, हार्डवेयर, ठीक है। तो ये हो गया आबिद हार्डवेयर, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इसका ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। तो ये एंटर हो गया, एंटर हो गया, एंटर 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 एंटर, स्टेट वगैरह जो भी हो उसको डाल सकते हैं आप, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। दूसरा है बिलाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यहां पे बी आई एल ए एल बिलाल इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और ये भी सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा, बाकी की डिटेल भरते हुए एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा जो है वो है इंटेल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, क्रेडिटर पार्टियां हैं। तो यहां पे इंटेल आई एन टी ई एल टेक्नोलॉजी कर देते हैं, टी ई सी एच एन ओ एल ओ जी वाई, इंटेल टेक्नोलॉजी, और ये भी सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, ठीक है। एंटर कर दिया तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हमें डेटर पार्टियों का लेजर बनाना है, तो डेटर पार्टियों का लेजर के लिए पहला है यहां पर बशीर हार्डवेयर, तो बशीर हार्डवेयर बी ए एस एच आई आर हार्डवेयर, यहां पे एच ए आर डी डब्ल्यू ए आर ई, तो ये हो गया बशीर हार्डवेयर, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहां पे सन्ड्री डेटर का ग्रुप चूज कर लीजिएगा, बस यही करना है आपको, इजी है, हो जाएगा आसानी से। मैंने स्टेट वही रखा है, आप स्टेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसी आपकी स्थिति बनती है वैसा कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है शबीर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहां पे डाल देते हैं वो शबीर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हो गया,
एंटर किया और संडे डेटर ही रहेगा, एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये हो गया सभी इलेक्ट्रॉनिक्स। और लास्ट बचता है आपका जुबैर इंटेल, तो यहाँ पे जुबैर इंटेल कर दीजिए, जुबैर इंटेल INTEL और यहाँ पे सेंडिडेटर ग्रुप रहेगा, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो इस तरीके से आप लेजर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सारे लेजर्स क्रिएशन मैंने बता दिए हैं, जितने भी लेजर क्रिएशन थे सब बता दिया मैंने, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी कि